नमस्ते, वर्चुअल दुनिया के इस छोर से मैं मेघा आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। चिंटी से तो आपकी मुलाकात कई बार हुई है क्योंकि वो अक्सर घर पर ही आ जाती है, पर आज मिली उसके भाई शेरू से जो घर के पीछे वाली जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाता, तो इन महाराज जी को जाकर ही खाना खिलाना पड़ता है। और इन दोनों की भोली शक्ल पे बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि इतने बदमाश हैं, दोनों इतने छोटे हैं लेकिन गली के गुंडे हैं। और फिर यहाँ पे वाईटी भी आ गया था। ये वैसे तो पिछली गली का है लेकिन अक्सर इस साइड भी आ जाता है। और इसके सर पे कुछ वक्त पहले एक व्यक्ति ने आयरन की रॉड से वार किया था और इसकी गलती कुछ नहीं थी, इस बेजुबान की गलती बस यही थी कि ये उसके घर के आगे जाके बैठ गया। ऐसी हरकतें देखकर समझ नहीं आता कि कुछ इंसान इतने जंगली क्यों हो जाते हैं कि वो इन बेजुबानों को इतने बुरे तरीके से मारने लग जाते हैं। बट द गुड थिंग इज कि इंटरनल ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ था, बाहर घाव बना था वो भी बहुत हद तक रिकवर हो गया है। फिर मैंने शाम को थोड़ी कॉफ़ी ली थी और बिस्किट खाए थे। मुझे पता है कि मैंने कहा था कि कॉफ़ी कंजप्शन को कंट्रोल करूँगी, एटलीस्ट करने की कोशिश करूँगी, लेकिन शाम को फिर वो थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी भूख लगी रहती है। मेरा दिमाग तो कहता है कि नहीं नहीं कॉफ़ी नहीं लेंगे, अल्टरनेटिव डे पे ही लेंगे, लेकिन फिर दिल है कि मानता नहीं, तो फिर मैं ले ही लेती हूँ। फिर मैंने साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अब आप पूछोगे कहाँ से किए, तो ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ और आज भी बता देती हूँ कि PYQs और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं YouTube प्रेफर करती हूँ। YouTube पे कोई एग्जैक्ट चैनल नहीं है, मैं डालती हूँ PYQs इस चैप्टर के, वो आ जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक कर देती हूँ और पहले एक से दो मिनट में ही यह पता चल जाता है कि ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है या नहीं, या फिर सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। और अगर मुझे लगता है कि हाँ ये वीडियो सच में काफ़ी इफेक्टिव साबित होगी तो वो मैं देख लेती हूँ और ये सच में हेल्प करती है। तो लगभग 8 बजे थे कि मेरे दिमाग में आता है कि चलो फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं। फ्रूट कस्टर्ड एक ऐसी चीज़ है जो एफर्टलेसली तैयार हो जाता है और टेस्ट का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होता। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के एकदम किचन में ही घुस गई कि चलो फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे और बनाने में लग गई। नहीं, मैं अपना हर काम ब्रेक ब्रेक में कर रही थी। मैं ब्रेक में कई बार अक्सर एडिटिंग का काम करती हूँ या फिर कुछ शॉर्ट्स वगैरह देख लेती हूँ, पर इस बार मैंने ब्रेक में क्या किया, पहला 15 मिनट का ब्रेक आया सेशन के बाद तो मैंने भाग के गर्म दूध चढ़ा दिया, वो तब तक गाढ़ा होता रहा। फिर अगला ब्रेक आया, उसमें मैंने फ्रूट्स कट कर लिए। अगले ब्रेक में मैंने कस्टर्ड पूरा तैयार कर लिया। तो ऐसे 3 सेशंस में 15-15 मिनट के ब्रेक में मैंने पूरा फ्रूट कस्टर्ड तैयार कर लिया। एंड बिलीव मी, इट वॉज डिलीशियस एंड आई इवन स्टार्टेड टू फील बेटर, क्योंकि कुकिंग मेक्स अस फील दैट कामनेस, दैट पीस इवन इन द क्यूज, दैट्स द ब्यूटी ऑफ कुकिंग। फिर मुझे ये तो ध्यान नहीं कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कितने बजे बैठी, लेकिन हाँ जल्दी बैठ गई थी और मुझे ठीक ठाक टाइम लगा। वो वीडियो 2.5-3 घंटे की थी, 2x पे मैंने देखी, फिर भी 2.5-3 घंटे ही लगे। और फिर मैं फाइनली 2:30 बजे सोने गई थी। मुझे पता है कि तुम लोग सोचोगे कि 3 बजे का अच्छा वाला स्केड्यूल तैयार किया था, सुबह 3 बजे उठा जा रहा था, फिर क्यों वापस बिगाड़ा। तो फिर यही है कि मैं नहीं चाहती कि बैकलॉग क्रिएट हो। जो चीज़ तय कर रखी है कि इस दिन ये पढ़ के सोना है, इसे ख़त्म करना है, तो करना है। अगर वो बैकलॉग क्रिएट हो जाता है ना, फिर वो अगले दिन भी नहीं हो पाता है और कंसिस्टेंसी की स्ट्रीक टूट जाती है। इसीलिए चाहे सुबह के 2-3 बजे वो काम ख़त्म होना चाहिए। स्केड्यूल एक बार बिगड़ रहा है कोई नहीं, शगुन के 11 दिन बचे हैं, एक बार खुद को कम्फर्ट जोन से बाहर रखना होगा। एक वो अंदर से सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होनी चाहिए कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया, जो वो आउटकम है वो मेरे हाथ में नहीं है लेकिन मैंने अपने बेस्ट लेवल पे मेहनत की। और अभी मैं केमिस्ट्री कर रही थी क्योंकि मुझे लगा जो सबसे चैलेंजिंग मुझे लगता है वो स्टार्टिंग में ही निपटा ही।
ओके तो फिर लाइट चली गई एंड नाउ वॉच व्हाट हैपेंड। मम्मा हाँ तो अभी मैं कर रही थी बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस का रिवीजन और इस चैप्टर के रिवीजन को मैंने एक पूरा दिन दिया क्योंकि ये चैप्टर मेरे लिए थोड़ा लेंथी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेमोराइज़ करने के लिए, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो इसीलिए मैंने इसे पूरा एक दिन दिया ताकि इस भारी भरखम चैप्टर का एक साथ डीप में रिवीजन हो जाए और मुझे फिर से वापस इसे इतनी गहराई में पढ़ने की ज़रूरत ना हो क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और ये चैप्टर काफ़ी हैवी वेटेज भी रखता है। फिर लगभग 10 बजे के आसपास मैं साइंस का सैंपल पेपर करने बैठी और इससे पहले जो ब्रेक का टाइम था उस दौरान मैंने खाना भी खा लिया और वीडियो भी अपलोड कर दी खाना खाते खाते ही। आजकल मल्टीटास्किंग सीख रही हूँ मैं, जो कि एक अच्छी बात है और बुरी बात भी शायद, पता नहीं, कह नहीं सकते। और इस टाइम तक मेरा माइंड एकदम गिवअप कर चुका था कि नहीं नहीं होगा, सैंपल पेपर के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, नहीं हो पाएगा, थकान हो रही है, इसीलिए मैंने ना पास में गाने चला लिए। गाने चलाने से हम एक लय में काम करते रहते हैं और फिर जो दूसरी साइड हमारा दिमाग जा रहा होता है वहाँ नहीं जाता है, तो ये मुझे एक लगता है, तो मैं गाने चला लेती हूँ अक्सर। और फिर मैंने ये सैंपल पेपर चेक भी किया और चेक करने में हम पहले नहीं करते थे कि खुद की कॉपीज चेक करते थे, टीचर खुद टीचर बनते थे और खुद की पुरानी कॉपीज चेक करने लग जाते थे, वेरी गुड दे देते थे, तो अभी भी चेक करते वक्त वो यंगर मेघा मेरे अंदर जाग जाती है और मैं उसी लय में चेक करती रहती हूँ। लेकिन डिफरेंस ये है कि मैं अब एक स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, मतलब मैं इतने नंबर काटती हूँ अपने ताकि मेरे में वो ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तो जहाँ इतनी सी भी गलती दिखी मैं पूरा नंबर काट लेती हूँ। इससे ये होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऐसे थे मेरे जीवन के 2 दिन। आई होप यू लाइक एटलीस्ट समथिंग इन माई वीडियो, अगर हाँ तो सफल है बस मेरा प्रयास। थैंक यू।